नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। यूपी पुलिस 26,382 पोस्ट, जिसके बारे में आप लोग पिछले 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी पुलिस में कोई भर्ती आएगी, लेकिन इस भर्ती को लेकर दोस्तों पिछले 3 से 3.5 महीने से कंपनी का जो चयन है वो ही नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो कंपनियां हैं वो ही टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छुक नहीं है। पहले की जो भर्ती थी उनमें TCS कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी, जो कि एग्ज़ाम को कराती थी, लीकेज भी बहुत कम मात्रा में पेपर में देखने को मिलता था। तो कंपनी जो है वो आगे नहीं आ रही है। अभी जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसमें पता लगा कि 2 कंपनियां आई हैं, उससे पिछला जो नोटिफिकेशन था उसमें 1 कंपनी के बाद भर्ती बोर्ड ने कबूली थी। तो 26,382 पोस्ट है, इसके लिए कंपनी की जो टेंडर प्रक्रिया है वो ही फाइनल नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी बीच आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था और अब की वीडियो में बता रहा हूँ कि 100 दिन का टारगेट है योगी सरकार का और 20,000 नौकरियां दी जाएंगी। इसमें जाहिर सी बात है एक बड़ी वैकेंसी पिक्चर में 34 पदों की वो अटकी हुई है UPSI की, वो कंप्लीट कराई जाएगी। प्लस जो छोटे मोटे विभाग हैं उनमें किसी में 100, किसी में 500, किसी में 1,000, किसी में 2,000 पद हैं, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज एक बड़ी अपडेट डाली गई थी, 100 दिन में 20,000 सरकारी नौकरियां देगी योगी सरकार। इन 20,000 के साथ में 50,000 पदों के लिए और बोल दिया है कि आने वाले समय में सरकारी विभागों में भी 50,000 पद और दिए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में मिलाकर अगले 5 साल का योगी सरकार ने टारगेट भी फिक्स किया है, 5 करोड़ रोजगार। अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रोजगार देने की बात कबूली गई है। तो आज की इस वीडियो का हमारा मुद्दा है केवल और केवल 26,382 पोस्ट। देखिए, जो आने वाले समय में 50,000 की बात बोली गई है उसमें ये भर्ती कांस्टेबल वाली भी शामिल होगी। कब आएगी भर्ती भाई? देखिए, 5/4/2022 वो डेट रखी है कि जो कंपनी अपनी निविदाएं डाल सकती हैं, साथ ही भर्ती बोर्ड में 10 बजे से 2 बजे तक उपस्थित होकर अपने बारे में जो पूरी जानकारी है वो सुनिश्चित कर सकती है। कंपनी जो भी बनेगी वो 5,000 प्रश्नों का क्वेश्चन सेट तैयार करेगी, ठीक है, प्लस कॉपी चेकिंग, प्लस लैपटॉप, ये PC वगैरह की जो भी व्यवस्था है वो कराएगी, ठीक है। तो कब आएगी ये भर्ती? देखिए, ये भर्ती अगर जो टेंडर प्रक्रिया है वो 5/4/2022 में फाइनल हो जाती है तो ये आप लोगों को अप्रैल के 2nd वीक में जरूर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। एक बार कंपनी का चयन हो जाए फिर ज़्यादा समय शायद कंपनी नहीं लगाएगी और हो सकता है थोड़ा बहुत समय लगाए, अगर लगा भी तो इसलिए लग सकता है कि अगर राज्य सरकार ने भर्ती बोर्ड से ये बोल दिया कि भाई आवेदन प्रक्रिया शुरू कराने से पहले आप लोग 5,000 प्रश्नों का टेस्ट जो लगेगा, 5,000 क्वेश्चन सेट जो तैयार होगा 5,000 प्रश्नों का, उसे तैयार कर दो, तो फिर ये आवेदन प्रक्रिया और पीछे जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये भर्ती पूरी पूरी उम्मीद लगती है कि अप्रैल और मई, ठीक है ना, अप्रैल और मई तक आवेदन कंप्लीट करा लेगा पक्का 100%। कंप्लीट कराने की डेट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, शुरुआत तो इसकी 2nd वीक से ही हो जानी चाहिए, ठीक है ना। कंपनी का चयन कब? तो देखिए, 5/4/2022 को ये पता लगेगा कि कंपनी का चयन हो पाया नहीं हो पाया, ठीक है ना, क्योंकि अब की बार जो समय दिया गया था उसमें लगता भी था, ठीक है, उसमें लगता था जो 5/4/2022 है उससे पहले जो समय दिया गया था 15/3/2022 का दिया गया था, 15 मार्च का, उससे देखकर लगा कि हाँ भाई कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, 24 तारीख में कोई नोटिस उस भर्ती को लेकर आया, उससे पहले लगा कि शायद हो सकता है कि अब की बार जी 15 और 24 के बीच में 9 दिन का अंतराल है, एक लंबा समय हो गया, अब शायद कंपनी का चयन हर हाल में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, 24 तारीख में फिर से नोटिस आ गया कि
कि भाई कंपनी के टेंडर प्रक्रिया को लेकर, कंपनी के चयन को लेकर जो डेट है उसे और आगे इंक्रीज कर दिया गया है, यानी अब कंपनियां 5/4/2022 तक अपनी जो निविदाएं हैं वो डाल सकती है। आयु में कितनी छूट मिलेगी? देखिए, आयु में जो छूट मिल सकती है, आप लोगों को 1 से 2 वर्ष की छूट अवश्य मिलेगी, जहां तक मेरा मानना है तो 1 से 2 वर्ष की छूट। आयु कब से काउंट होगी? तो देखिए, मैंने कुछ तथ्यों के आधार पर बताया था 1/7/2021, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने माना कि 1/7/2022 से होगी, तो जैसा आप लोगों को उचित समझें, जैसा आप लोगों की मर्जी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1/7/2021 से काउंट होनी चाहिए। आप लोगों का जो भी दिमाग करता है, जो भी बनती है बात, ठीक है ना, तो वही भाई, हर किसी का दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है, आप लोगों का दिमाग अलग है, हर किसी, क्योंकि 5 उंगलियां हाथ में, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है। तो योग्यता क्या रहेगी? योग्यता इसमें 12वीं रहेगी, पदों की संख्या 26,382 रहेगी। आवेदन प्रक्रिया जो है वो अप्रैल में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। छूट बता दी, 1 से 2 साल की मिलेगी। 50,000 अन्य भर्तियों में शामिल होके ये भर्ती आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना भैया। तो कहने का मतलब योग्यता की बात हो गई, वही 12वीं योग्यता। हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वहीं अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट, ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ, जनरल ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर हाइट, एसटी कैंडिडेट से जो हाइट ली जाएगी वो 147 सेंटीमीटर ली जाएगी। चेस्ट की रिक्वायरमेंट जो रहेगी 79 से 84 सेंटीमीटर सीना रहेगी जनरल ओबीसी एससी, और एसटी से 77 से 80 सेंटीमीटर सीना मांगा जाएगा। वहीं महिलाओं में इसकी अपेक्षा 40 किलोग्राम वजन मांगा जाता है। 40 किलोग्राम जो वजन है मिनिमम, कम से कम 40 किलोग्राम वजन हो, 40 किलोग्राम से कम वजन वाली महिलाओं को वहीं पर डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, ठीक है भैया। एग्ज़ाम की बात करूं, फॉर्म भरने के बाद में एग्ज़ाम होगा, और फॉर्म भरने की अंतिम डेट के 45 दिन के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है भैया। एग्ज़ाम का जो मोड होगा ऑफलाइन मोड होगा, 300 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा, 150 सवाल आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 2 नंबर का एक सवाल रहेगा, 150 सवाल, 2 घंटे का समय मिलेगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम आप लोगों का होगा, ठीक है ना भाई। यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो कि 37 सवाल हिंदी से, 38 सवाल GK GS से, ठीक है, 20 सवाल मैथ से, और 55 सवाल रीजनिंग से आएंगे, ठीक है। प्रत्येक एक्सरसाइज से सवाल आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सरसाइज छूट जाती हैं, तो प्रत्येक लगभग एक्सरसाइज से एक एक दो दो सवाल भी आ जाते हैं। तो याद रखिए भाई, अपनी जो तैयारी है उसे थोड़ा सा गौर से करिए, वैकेंसी तो आ ही जाएगी, आप लोगों की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। वैकेंसी तो आपसे पहले भी आई होंगी, लेकिन आपने किस भर्ती के लिए अच्छा जोर लगाया, किस भर्ती में आप लोगों को उम्मीद लगी कि हम निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो भाई आप लोग अपना इरादा बनाइए कि मैं कौन सी भर्ती को निकाल सकता हूँ, एक भर्ती के पीछे पड़ जाइए, हाथों के नादों के जैसे भी पड़े, तो आप लोगों का उसमें काम जरूर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो पूरी जो संभावनाएं योगी सरकार ने जो निकाली है, 100 दिन में 20,000 नौकरियां देने की तैयारी योगी सरकार, ये अगले 3 महीना में आप लोगों को इतनी सारी नौकरियां देखते हुए दोस्तों मिलेंगी। चलिए भाई, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।